So hello guys and welcome back to our channel. It's DC Technical here. आज हम लोग बात करेंगे छोटा पैकेट बड़े धमाल के बारे में, ऐसे होम थिएटर्स जो बजट प्राइसिंग में आते हैं और काफी अच्छा साउंड करते हैं. आपको मैं रिकमेंड करूंगा जब हम लोग होम थिएटर को चलाकर दिखाएंगे तो आप ईयरफोन्स पहन लीजिएगा, क्योंकि ईयरफोन्स पे आपको जो बेस होता है उसकी एक्चुअल फीलिंग पता चलती है. तो इसी के साथ हम लोग वीडियो को शुरू करेंगे. शुरू करने के पहले मैं आपसे कहूंगा कि वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, क्योंकि ये किसी की भी हेल्प कर सकता है. तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करें. अफोर्डेबल होम थिएटर सिस्टम सब वूफर्स एंड सेटेलाइट स्पीकर्स के साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम 4-5 वूफर्स की लिंक दे देंगे, जिससे कि आप खरीद सकते हैं. वहां पे आपको ज्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे मेन सेंट्रल यूनिट जो कि हमारा सब वूफर होता है. हमने FND का एक सब वूफर लिया है जिसका अंदर स्पीकर डायफ्राम साइज जो है 5.25 इंच का है और एक नॉर्मल हॉल के लिए ये बहुत काफ़ी बेस प्रोड्यूस कर लेता है. आप देख सकते हैं बेस के लिए अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे स्पीकर और होल्स दे रखे हैं एयर जो पास होती है. और फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें काफ़ी फंक्शन है. सोर्स में हमारा FM रेडियो भी है, ऑक्स का ऑप्शन भी है इसमें 3.5 mm जैक में जो लग जाता है वो. आप ब्लूटूथ के थ्रू भी इसको यूज़ कर सकते हैं. IR मतलब ये रिमोट से भी काम करता है, ये ब्लूटूथ है और ऑक्स आपका 3.5 mm जैक के लिए है. यहाँ पे हमारा USB दे रखा है, आप पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं और SD कार्ड जो हमारे मेमोरी कार्ड बड़े वाले आते हैं या फिर मेमोरी कार्ड रीडर्स जो हमारे लोग के आते हैं, जो आपके बेसिकली कैमराज में जो मेमोरी कार्ड लगते हैं उसमें लगा के आप मेमोरी कार्ड रीडर से भी सॉन्ग को आप प्ले कर सकते हैं. हमारे यूनिट में 5 सैटेलाइट स्पीकर्स हैं, 3 इंच के हैं सब के सब, जिसमें सबसे पहला हमारा ये बीच में सेंटर में लगा है जो हमने टीवी के जस्ट ऊपर लगाया है. इसके बाद हमारा एक लेफ्ट साइड में हम लोगों ने लगाया है लेफ्ट साइड स्टीरियो के लिए और फिर एक राइट साइड में लगाया है राइट स्टीरियो के लिए. फिर 2 स्पीकर्स हम लोग ने रियर में लगाए हैं, ये हमारा रियर राइट साइड का स्पीकर है एंड ये हमारा रियर राइट साइड का स्पीकर है. अब मैं आपको इसकी वायरिंग दिखाता हूँ. यूजुअली जो हम लोग की वायरिंग होती है वो स्पीकर्स के साथ जो फ्रंट हमारे स्पीकर्स होते हैं, इसलिए फ्रंट स्पीकर्स जो हैं इनके साथ तो इतनी एडिक्वेट वायरिंग है कि हमारा पूरा सबवूफर तक ये पहुँच जा रही है. बट जो हमारे बैक स्पीकर्स होते हैं, जो बैक्स में 2 लगे हुए हैं हमारे स्पीकर, उनकी वायरिंग इतनी बड़ी नहीं होती है कि ये पीछे तक पहुँच जाए. तो हमने क्या किया, एक अच्छी ड्यूरेबल क्वालिटी के कॉपर वायर्स. आप हमेशा याद रखें कि आपको वायर्स जो लेने हैं वो कॉपर लेने हैं. कॉपर वायर के थ्रू हम लोग इसको लेके गए हैं. ये पूरे हमारे सोफे के पीछे से होते हुए कहना चाहूँगा सोफे के पीछे से होते हुए पूरा बेड के पीछे से, ताकि ये सामने दिखाई ना पड़े, हम लोग ने इसकी वायरिंग सेट कर रखी है. और ये वायरिंग फिर ऐसे आके एक हमारे गई है बैक लेफ्ट में एंड दूसरी गई है हमारे बाइक बैक राइट में. सराउंड साउंड सिस्टम जो हम लोगों ने इसमें यूज़ किया है, जो सब वूफर्स और स्पीकर्स जो हमने यूज़ किए हैं, ये पूरा आउटपुट मिला के 80 वॉट का मिलता है. जैसे आप अमेजोन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे, नीचे मैं आपको लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में कुछ वूफर्स और वूफर्स की जिनको आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं बहुत ईजिली. 80 वॉट का टोटल ये आउटपुट देता है और 80 वॉट एक नॉर्मल कमरे के लिए, एक बड़े कमरे के लिए भी मोर देन इनफ है. अगर आप घर में हैं, जैसे घर में आपका हॉल है, घर में आपका पर्सनल रूम है, 80 वॉट मोर देन इनफ होता है. आपको एक अच्छी बेहतर साउंड क्वालिटी भी ये देगा. मैं आपको कुछ स्पीकर्स के लिंक जो 80 वॉट के हैं वो आपका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा. एक बार मैं आपको इसकी वायरिंग दिखाना चाहूँगा. ये देखने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है लेकिन होती बहुत ईजी है. ये हमारा FM का सिग्नल वायर होता है तो इसको आपको टच नहीं करना है. इसमें एकदम साफ लिखा हुआ है सब कुछ कि आपको कौन से स्पीकर्स कहाँ कनेक्ट करने हैं, फ्रंट राइट फ्रंट लेफ्ट पूरा सब कुछ लिखा हुआ है. हमने उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ कनेक्ट किया है और जानबूझ के हमने जो कलर्स लिए, जैसे हम लोग को फ्रंट लेफ्ट फ्रंट राइट तो दिख रहा था सामने, बट जो हम बैक से स्पीकर्स लेके आए उसके वायर हम लोग कब तक अलग अलग ढूंढते रहेंगे, इसीलिए हमने कलर्स ही अलग यूज़ किए. ग्रीन येलो शेड हम लोगों ने यूज़ कर लिया हमारे रियर लेफ्ट के लिए और हम लोगों ने ब्लू वाइट शेड यूज़ कर लिया हमारे रियर राइट के लिए. ये इजी पड़ता है, आपको इतना ध्यान नहीं देना पड़ेगा कि कौन सा तार कहाँ से जा रहा है, बस आप वायर लेके आइए और कनेक्ट कर दीजिए. ये पूरी इसकी वायरिंग थी. ये आपका 5.1 DVD से जब आप कनेक्ट करते हैं तो DVDs में पीछे दे रखी होती वायरिंग, उसके लिए होता है.
ये हमारे नॉर्मल स्पीकर कनेक्ट करने के लिए है, और यहाँ आपका ऑक्स के वायर कनेक्ट होते हैं जो आपका 3.5 mm जैक में लगता है। तो हम क्योंकि इसको पूरा ब्लूटूथ पे यूज़ करते हैं, टीवी में ब्लूटूथ, फ़ोन में ब्लूटूथ, सब जगह ब्लूटूथ आजकल यूजली मिलता है, इसीलिए हम लोगों ने इसमें कोई भी कनेक्शन एक्स्ट्रा नहीं किया, सिर्फ स्पीकर्स कनेक्टेड हैं। तो आइए थोड़ा डीजे का मज़ा लेते हैं और इस टीवी में ब्लूटूथ के कनेक्शन के थ्रू इसको कनेक्ट करके थोड़ा सा आपको ऑडियो भी चेक कराते हैं। वूफर का रियल मज़ा लेने के लिए मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि इस पार्ट में आप अपने ईयरफोन्स लगा लें, क्योंकि बेस की फीलिंग आपको ईयरफोन पे ही पता चलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा है एक्सपीरियंस हमारे सब वूफर का। अब मैं आपको अपने ही एक चैनल का एक वीडियो चला के दिखाता हूँ, ताकि जिससे आपको पता चले कि इसमें आवाज़ की क्वालिटी कैसी आती है, कोई बोलता है अगर कोई वॉइस कोई है तो उसकी क्वालिटी कैसी आती है। मैं अपने ही एक वीडियो के थ्रू आपको दिखाता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल, इट्स डीजी टेक्निकल हियर। और आज हम लोग बात करेंगे, यदि आपका कंप्यूटर पुराना है या नया भी है, थोड़ा आपने सस्ता लिया था बजट के चक्कर में, बजट की प्रॉब्लम थी कुछ भी, और कंप्यूटर बहुत स्लो हो गया है, आपने कई बार उसमें सॉफ्टवेयर चला के देख छेद बने होते हैं, आपको बस सिर्फ सिंपल सा इसमें इसको ऐसे पूरे साइड चारों साइड से इंसर्ट कर देना है। आपकी ये SSD की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये SSD जो हम लोगों ने यूज करी है अपने लैपटॉप में, ये बेसिकली किसने की है, एक रिव्यू अबाउट कैसे आप कम पैसे खर्च करके थोड़ा कम बजट में भी एक बेहतर बढ़िया होम थिएटर सिस्टम आप अपने घर में लगा सकते हैं। बहुत ही कम आपका ये चार्ज होता है, ऐसे होम थिएटर्स अगर आप सोनी के या फिलिप्स के या किसी और कंपनीज के आप देखें तो काफी थोड़े महंगे आते हैं। तो हम अगर चाहे तो अपने घर में होम थिएटर का मजा अगर लेना चाहते हैं बजट प्राइसिंग में, तो कुछ ऐसे होम थिएटर्स लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करते टाइम आपको थोड़ा सा लगेगा कि बहुत हैवी वर्क है, लेकिन कुछ नहीं, आपको इंस्टॉल करने के बाद जो मजा आएगा वो बहुत बेहतर होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ये अपने दूसरे दोस्तों को भी इसको शेयर करें, क्या पता आप किसकी हेल्प कर दें। इसी के साथ हम चलते हैं, जय हिंद।